हाथी ने चिंटी को प्रपोज किया। चिंटी ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ हाथी, तो फिर शादी से क्यों मना करती हो? चिंटी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे घर में इंटरकास्ट शादी तो हो सकती है, लेकिन इंटर साइज नहीं। नो 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 छगन, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इतना छोटा सा कमरा, ना तो कोई खिड़की है और ना ही बाथरूम। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए वेटर। लेकिन सर, ये तो छगन नहीं, नहीं, मुझे पैसे वापस दे दो, वेटर बोला। अबे गंवार, ऊपर रूम में तो चल, यह तो लिफ्ट है। नो 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 लड़की, स्टेशन तक के कितने पैसे लोगे? रिक्शे वाला, मैडम 20 रुपए। लड़की बोली हैरान सा मुंह बनाते हुए, स्टेशन के 20 रुपए? रिक्शे वाला बोला, हाँ मैडम, स्टेशन पूरा 2 किलोमीटर है यहाँ से। लड़की हाथ से इशारा करते हुए, ये तो रहा स्टेशन। रिक्शा वाला बोला, मैडम हाथ पीछे कर लो, कहीं रेल के नीचे ना आ जाए। नो 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 छगन की 90 साल की दादी गुजर गई थी। मैयत में कई लोग रो रहे थे। पहला आदमी, अम्मा हमें भी ले जाती। दूसरा बोला आदमी, अम्मा हमें भी ले जाती। दो चार आदमी और बोले, अम्मा हमें भी ले जाती। छगन गुस्से में, अबे सालो चुप हो जाओ, अम्मा क्या लोडिंग टेम्पो करके गई है? नो 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 एक आदमी काम पर से थक हार कर घर आया। पत्नी ने पानी का गिलास दिया, तभी बेटा मार्कशीट लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचा। साइंस में 39, 39, इंग्लिश में 46, 46, मैथ्स, आगे कुछ पढ़ने से पहले आदमी ये मार्क्स लाए है गधे? शर्म नहीं आती तुझे? नालायक है तू, नालायक। पत्नी, अरे आप सुनो तो। आदमी, तू चुप बैठ, तेरे लाड प्यार ने ही तो बिगाड़ा है इसे। नालायक, अरे तेरा बाप दिन भर मेहनत करता है और तू ऐसे मार्क्स लाता है? लड़का बेचारा चुपचाप गर्दन नीचे किए खड़ा था। पत्नी फिर से बोली, अरे सुनो तो। आदमी, तू चुप कर, एक शब्द भी मत बोलना। पत्नी इस बार तेज आवाज में, अरे सुनो तो सरी, पहले सुबह अलमारी साफ करते वक्त मिली थी ये आपकी मारक सीट है, फिर भयानक सन्नाटा। नो 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 नो